भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देख करके ही जाना और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल से न जुड़ी हो तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारे पास संगीता देवी बहन जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आती हैं, उन्होंने एक ये मैसेज भेजा है जिसमें कि उनके अकाउंट में 1500 रुपया क्रेडिट हुआ है, वो भी कल 14 सितंबर को। तो आप सब भी चेक कर लेना क्या कहीं अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप जो 1500 रुपया 2 सितंबर को लगा था, क्या वो कल और भी कहीं सक्सेस हुआ है, या फिर इनका ये 1500 वही वाला है या किसी अन्य मद का है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इनका अतिरिक्त मानदेय वाला ही सक्सेस हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर बिहार सरकार, तो बिहार सरकार में निदेशालय से यहाँ पर 13 तारीख को अभी एक लेटर जारी किया गया है निदेशक जी की तरफ से, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पूरे बिहार में भेजा गया है और ये पोशाक की राशि से जुड़ा हुआ है। तो पोशाक की जो राशि है उसका ये मैटर है। यहाँ पर कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2022-23 के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत लाभुक इनको पोशाक की राशि दे है। उक्त परिपेक्ष में अपने परियोजना में स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे लाभुकों के अभिभावक का बैंक खाता का संधारण करके पोशाक मद की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करें। तो पोशाक की राशि के भुगतान के संबंध में एक ये लेटर है जो कि बिहार सरकार से है। बिहार की बहनों, आप सबके ये काम का है। सभी आंगनबाड़ी बहनों को सूचित करना चाहूंगा, कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक ये 12 सितंबर को सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आपके विभाग में भेजा गया है और कहा गया है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के संबंध में है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग जो डिवाइसें हैं उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीरियोमीटर हो गया, जो कि का 3 वर्ष की वारंटी इसकी अवधि है, अगर खराब होती है तो ये टोल फ्री सब नंबर दिए गए हैं, इनके जरिए आप उसको बनवा सकते हैं। जिम कॉन्ट्रैक्ट संख्या भी दे दी गई जहां से इसकी खरीद वरीद की गई है, डेट भी दे दी गई है और आपूर्तिकर्ता जो संस्था है उसके नाम भी दे दिए गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी इंफॉर्मेशन है। और इन्फेंट वेइंग स्केल जो है उसकी भी अवधि 3 वर्ष की है वारंटी की, और इसके सामने भी ये सब टोल फ्री नंबर दे दिए गए हैं, साथ ही साथ लैंडलाइन नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। फेंटोमीटर जो है उसका भी अवधि 3 वर्ष का है, और यहाँ पर मदर कम जो है चाइल्ड वेइंग स्केल जो है वो भी 3 वर्ष की अवधि के लिए इसकी वारंटी है, और सामने टोल फ्री नंबर सब दे दिए गए हैं। बाकी जो भी आपूर्तिकर्ता संस्था है उनके नाम भी हैं। तो जैसे कि मे जो है यहाँ पर मेसर्स प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के नाम से है, और ये जो नई दिल्ली पश्चिम बिहार वहां पर इनका कार्यालय। तो इस तरीके से अब हम मेन इनके जो है शब्दों पर आते हैं, इन्होंने इसमें अवगत क्या कराया है। इन्होंने कहा है कि अवगत कराना है कि पोषण अभियान के अंतर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा निर्धारित तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार भारत सरकार की संस्था सीपैट जो है राइट्स लिमिटेड, इससे प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन उपरांत ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे कि स्टीरियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट वेइंग मशीन तथा मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल मशीन, इन लाभार्थियों के लिए जो है जैसे कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं, इनकी नियमित वृद्धि निगरानी करने के लिए जनपदों को उपलब्ध कराया गया है। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का उपयोग करते हुए लाभार्थी 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री, किशोरी बालिकाएं, इनकी वृद्धि निगरानी और वजन लंबाई ऊंचाई करते हुए पोषण ट्रैकर पर सूचना अंकित की जा रही है। जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किए गए यहां पर जीएमडी का विवरण, वारंटी पीरियड एवं आपूर्तिकर्ता संस्था का हेल्पलाइन नंबर भी निम्नानुसार है। तो अगर कोई दिक्कत विक्कत आती है तो इन संस्थाओं को कॉन्टेक्ट करके नंबर वंबर दे दिए गए हैं, कॉल किया जा सकता है। बाकी कब खरीद हुई जेम कॉन्ट्रैक्ट संख्या भी सब दे दी गई और डेट भी खरीद की दे दी गई। तो एक बढ़िया सी जानकारी है जो आप लोगों के शायद काम की।
हो। नीचे उन्होंने और क्या लिखा है उसको भी सुनिएगा। और ये लेटर कपिल सिंह जी हैं, निदेशक हैं, उनके स्तर से 12 सितंबर को जारी है। इसमें उन्होंने नीचे लिखा है कि उपरोक्तानुसार ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का जिम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया है। सहयोगी विकासशील संस्थाओं के सहयोग से मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकाएं इनको ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के सही प्रयोग करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मास्टर ट्रेनरों के द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का सही प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है तथा लाभार्थी की नियमित वृद्धि निगरानी का वितरण पोषण ट्रैकर पर अंकित किया जा रहा है। अतः पोषण अभियान के अंतर्गत जिम पोर्टल के माध्यम से क्रय किए गए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे कि स्टीरियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट वेइंग मशीन तथा मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल मशीन, इसका वारंटी पीरियड और GTC और वारंटी क्लास, हेल्पलाइन नंबर, आपूर्तिकर्ता संस्था का विवरण निर्देश के साथ में भी प्रेषित है। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस में किसी भी प्रकार की अगर तकनीकी समस्या आती है तो आपूर्तिकर्ता फर्म से समन्वय स्थापित करते हुए तकनीकी संस्था का निराकरण प्रस्थापना जिम जो है GTC के गारंटी और एवं वारंटी क्लास के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। तो ये एक लेटर यहाँ पर आया है इस संबंध में। अब यहाँ पर देखिए इसको भेजा था किरण वर्मा बहन प्रयागराज से आती हैं जिन्होंने। अब ये वाला जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक। रायबरेली जिले के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं इनके स्तर से 13 सितंबर को अपने वहां के CDPO के लिए बरेली में एक यहां पर लेटर भेजा गया जिसमें कहा है कि 22 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन कराओ। आप सबको पता है मैंने इस पर एक अच्छा सा वीडियो दे रखा है और आप सबको बता भी रखा है कि 22 तारीख को कैसे आप लोगों को क्या मनाना है। 12 सितंबर का निदेशक जी का समस्त जिलाधिकारियों को जो भेजा गया आदेश था जो कि आप ये देख रहे हैं, इसी आदेश को मैंने पूरा अच्छे तरीके से आप सबको दिखाया भी है तो उम्मीद है आप सबने वो देखा होगा, अब इसकी जरूरत नहीं है। इधर बात करते हैं जौनपुर से भी एक मैटर है, यहां पर DPO जौनपुर के उनका एक लेटर 14 सितंबर का लगा है और जैसा कि आप देख रहे हैं जौनपुर में ये एक मैटर आया और जैसा कि मैंने आपको जो है इसके बारे में भी बता रखा है ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो प्री प्राइमरी में ECC वाले कार्यों से और इसमें जो भी वहां पर एजेंडे थे जो भी वहां पर जो है स्वीकृतियां थी वो सब चीजों पर बात हो चुकी है किन बच्चों पर क्या कैसे क्या होना चाहिए था। इस पर आपको याद होगा मैंने बताया था एजेंडा बिंदु क्या है, समिति द्वारा संतुति क्या दी गई, उत्तरदायी अधिकारी और कार्य पूर्ण करने की तिथि क्या रखी गई। ये वाला आदेश चूंकि ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना का 13 सितंबर वाला तो ये हम आपको पहले भी कल बता चुके हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सब भाई बहनों को ऑल इंडिया ने दे रखी है। तो अब एक एक जिले वाइज इन चीजों को ठीक नहीं लगता। वहीं पर एक ये देखिएगा एक और लेटर भेजा गया DPO जौनपुर की तरफ से 14 सितंबर का ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से जुड़ा हुआ है और जैसा कि आपको पता है इन चारों तरह की जैसे स्टीरियोमीटर, इन्फेंटोमीटर और जो है इन्फेंट वेइंग स्केल और मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल इनके बारे में और इनका जो भी कितना साल का वारंटी है साथ ही इनका टोल फ्री नंबर वो सब इस पर भी वीडियो एक बढ़िया तरीके से सब दिया जा चुका है। कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से जो जारी हुआ था 12 सितंबर का आदेश वही मैंने दिखा दिया था, सभी जिलों के लिए यूपी में ये लागू होता है। तो अब चलते हैं आगे और आपको अगला बताते हैं जो कि है जौनपुर के DPO 13 सितंबर का उनका आदेश ये देखते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा है। इसमें इनका कहना है कि यहां पर संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, बाल विकास पुष्टाहार लखनऊ के पत्र संख्या दी है 25 अगस्त की जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2021 में निपुण भारत के रूप में मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने हेतु देशव्यापी निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया जा चुका है। बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित हैं और बाल वाटिका कार्यक्रम में योजना के अंतर्गत उक्त आयु वर्ग के बच्चों के कक्षा 1 के अंतरण की ट्रैकिंग की जानी है। तत्क्रम में संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार को लोकेटेड वाले जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय परिसर में जो अवस्थित केंद्र हैं आंगनबाड़ी के उनमें नामांकित जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर 15 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाना है। रजिस्ट्रेशन का कार्य पोर्टल पर पूर्ण कराए जाने में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 से 6 वर्ष के बच्चों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जो है यहां पर देना है। तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था इस काम को करने के लिए और शायद आप सबने कर भी लिया होगा। परियोजना का नाम देखो यहां पर कालम है आंगनबाड़ी केंद्र के
नाम का है, 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका, माता पिता उनके और जन्मतिथि उनकी, इस तरह से ये जौनपुर में मांगा जा रहा है प्रारूप पर। तो आपको पता होगा ये सब आप शायद दे चुके होंगे और मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है, शिव कुमारी बहन जौनपुर से, उनके द्वारा भेजा गया। अब देखिएगा अगली जानकारी जो कि ये आ रही है हमारे पास, कार्यालय उत्तर प्रदेश में, आप देखिएगा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है उनका 14 सितंबर का एक वहां से एक लेटर जारी, और ये लेटर आप देख सकते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जो कि ब्रजेश पाठक जी हैं उनका भ्रमण कार्यक्रम लगा हुआ है उससे जुड़ा है। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या कहा जा रहा है इनका। यहां पर देखो, यहां पर 15 सितंबर जो कि आज है गुरुवार के दिन 9 बजे प्रस्थान करेंगे राजभवन कॉलोनी लखनऊ से, और 9:50 पर एयरपोर्ट अमौसी वहां सब जाएंगे। उसके बाद देखो 11:30 पर देवरिया वो पहुंचेंगे, तो देवरिया जाएंगे, तो ये गोरखपुर होते हुए जाएंगे, पहले गोरखपुर जाएंगे 10:50 पर, फिर उसके बाद जो है वहां पर देवरिया जाएंगे। तो देवरिया में जो भी जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं हैं वह उनके विकास कार्यों की प्रगति स्थलीय निरीक्षण उनका करेंगे। फिर यहां पर देखिएगा, यहां पर जिला 14:00 यहां पर लिख दिया गया है 30 मिनट, ठीक, यानी कि जो 2:30 बजे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जिला कार्यक्रम जो जिला जो कार्यालय है भाजपा का देवरिया में, तो वहां पर जनपद देवरिया में जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा वहां पर जो अपना बैठक करेंगे, ऐसे करके इनके सब जो है कार्यक्रम दे दिए गए हैं। तो ये इनका एक आया है, तो हो सकता है देखो आसपास जहां कहीं जाएं वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी वो विजिट करें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सावधानी अपने वहां पर बरतनी है। गोरखपुर हो गया और आपका महाराजगंज हो गया, इन सब जगह ये जा सकते हैं, इन सब में इनके जो यहां पर देर भी दिए गए कहां कहां पहुंचेंगे। तो आप लोग क्या करना, अपना अपना जो सेंटर है वो समय से खोलना, काम को पूरा रखना। अब देखो देखने लायक इसमें क्या होता है, जब भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कर दी जाती हैं उनके स्वास्थ्य को जो है मद्देनजर रखते हुए। अब देखो इनमें से एक ये होती है कि माननीय देखो उप मुख्यमंत्री जी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तथा माननीय उप मुख्यमंत्री जी के केंद्र एवं राज्य सरकार की जेड श्रेणी की सुरक्षा से आच्छादित है। तो अब इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके ब्लड वेल्ड ग्रुप के बारे में भी पहले से सब बंदोबस्त कर लिया जाता है वहां पर, तो इसमें ये इसके बारे में भी लिख दिया गया है। अब आगे चलते हैं और आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो ये हमारे पास उमेश चंद्र मौर्य भाई जी हैं जिनके द्वारा ये लेटर भेजा गया था। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, रेखा कुमारी बहन आती हैं बेगूसराय यानी बिहार से, और वहां पर आप देख सकते हो ये एक फोटो बहन ने भेजी है, और इनके अलावा एक और ये फोटो उनके वहां पर भेजी गई है, साथ ही साथ एक वीडियो भी इनके द्वारा ये भेजा गया है। वीडियो देखेंगे कैसा है क्या है, और उसके बाद में फिर उसको सुधांशु पटेल चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। इधर हेमलता बहन वाराणसी से आती हैं जिनके द्वारा कार्यक्रम मनाया गया है, फोटो भेजी गई है। रज्जू बहनें मिर्जापुर से आती हैं, वहां से उन्होंने फोटो भेजी है, और ये गजला बहनें हरदोई से आती हैं, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है, और ये बहन है किरण लता जो कि आजमगढ़ से आती हैं, वहां से फोटो आई है, और ये हैं आशा मिश्रा फतेहपुर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। इनके अलावा ये हैं मधु जो कि फतेहपुर से आती हैं, वहां से एक फोटो आई है, और ये एक बहन है वंदना सिंह जो कि आजमगढ़ से आती हैं, उनके द्वारा फोटो आई है, और ये हैं लालमणि जो कि चंदौली जिले से हैं, वहां से एक फोटो आई है। इनके अलावा ये हैं राखी मिश्रा बंकी से, इन्होंने एक ये फोटो भेजी है, और ये है सुमन देवी फतेहपुर से आती हैं, वहां से एक फोटो आई है। इनके अलावा शशिकला बहन गाजीपुर से आती हैं, उन्होंने भी फोटो भेजी है, और ये है मुन्नी देवी आजमगढ़ से आती हैं, वहां से एक फोटो भेजी है, और इनके अलावा